थोड़ा सा मोबाइल लाओ तो लाइव देखते हैं। अरे यूट्यूब के ने कहाँ यूट्यूब तो नहीं सबके लाइव पे सब्सक्राइब किया चैनल मेरा कुछ दिखा रहा है बॉल दिखा रहा है अब लिखेंगे तब ना दिखाई देगा। चलिए मेरे भाई आज का पॉलिटी के क्लास को लाइव किया जाए। सबके सब जुड़िए स्पीड में। सभी आदमी लाइव में जुड़िए तो हो स्पीड में। कमेंट कीजिए आवाज जा रहा है क्या कमेंट कीजिए तो ठीक है आवाज क्या चलिए स्टार्ट करें। कल हम आपको पढ़ाए थे क्या 1757 का प्लासी का युद्ध। आज पढ़ना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है। मोबाइल लीजिएगा नहीं थोड़ा सा कमेंट देख रहे थे लीजिए ना। पहले का लेसन यस सर आ रही आवाज कृष्णा कुमारी आप लोग है सर लिखाए नहीं है जी भाई कल लिखाए नहीं थे लिखाएंगे आज। चलिए तो अब थोड़ा सा गौर से सुनिएगा मेरे भाई। कल 1757 के प्लासी का युद्ध अगर नहीं लिखाए हैं ना तो आपको हम हिस्ट्री में समझाएंगे लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको समझना है। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया ना यह 1700 नेटवर्क के कारण तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया था कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के गवर्नर कौन बन गया रॉबर्ट क्लाइव। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद 1764 के बक्सर के युद्ध में भी जीत हुआ। उसके बाद बंगाल के गवर्नर 1764 के युद्ध के बाद बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के गवर्नर के पद पे कौन आ गया रॉबर्ट क्लाइव आ गया। उसके बाद
रॉबर्ट क्लाइव कहिए या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाला ने बहुत ही ज्यादा अत्याचार करना चालू कर दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था, शुरुआती नाम क्या था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्शन को कम करने के लिए ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने ही देखिए पूरा फ्रेश दिख रहा है मेरे भाई, अब चलिए अब दिख रहा है, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। तो रियल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आता, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने का एक ही कारण क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार यानी करप्शन बढ़ने लगा, इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार यानी करप्शन को कम करने के लिए ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने पेश किया था। जाना है घर, जाना तो जा सकते, उन लोगों को दे दीजिए ना अपना सब गिलास, गिलास लाए, गिलास था इसमें, कोई बात नहीं, उन लोग को दे दीजिए, तब तक मेरा हिस्सा रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप लोग खा लीजिए, पी लीजिए तब, चलिए हाँ हम अपना बाद लें। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा उस समय एक कमिटी का गठन किया गया था, उस कमिटी का नाम था गुप्त समिति, या इसी को कहते हैं सेक्रेट कमिटी, सेक्रेट कमिटी। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त समिति के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पेश किया था, गुप्त समिति के द्वारा, सेक्रेट कमिटी के द्वारा। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उससे पहले ही बंगाल के गवर्नर के पद पे वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स था। तो यह वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर था। अब वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना दिया गया। उन लोग को भी दीजिए ना, ओ भाई उन लोग को भी दे दीजिए, चार चार आठ को गिलास लगा लीजिए ना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड नॉर्थ था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड नॉर्थ था। पी लीजिए थोड़ा सा और गिलास उठा लीजिए, थोड़ा सा पी लीजिए, और इन लोगों आप पीजिए ना पूरा।
अभी हम समझाए, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर के पद पे थे और बारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो एक बार फिर से समझिएगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार हो रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन हो रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्शन को कम करने के लिए ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ हुआ करते थे और लॉर्ड नॉर्थ ने ही अपने ही गुप्त समिति यानी सीक्रेट कमिटी के द्वारा ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पास किए। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वारेन हेस्टिंग्स के परिषद में 4 सदस्य को शामिल किया गया। वारेन हेस्टिंग्स के परिषद में 4 सदस्य को शामिल किया गया, 4 सदस्य को शामिल किया गया। पहला क्या था? मानसन। दूसरा के नाम क्या था? बड़बैल। तीसरा के नाम क्या था? क्लेवरिंग। और चौथा के नाम क्या था? फिलिप फ्रांसिस था। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया कि भारत पर जो व्यापार करने के लिए आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका शुरुआती नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। इसी कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, इस कंपनी के भ्रष्टाचार यानी करप्शन को कम करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ था। और लॉर्ड नॉर्थ ने ही अपने ही समिति सीक्रेट कमिटी, सीक्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? गुप्त समिति ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। उसके बाद बंगाल के जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो उस समय बंगाल के गवर्नर के पद पे वारेन हेस्टिंग्स था, तो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर के पद से सीधे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तब बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स को कार्यकाल चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए 4 परिषद यानी 4 सदस्य दिया गया। यह सबके सब देख रहे हैं, समझिए ना कि आपका भले यूट्यूब पे क्लास चल रहा है लेकिन यह यूपीएससी प्रीलिम्स तक ले का सवाल से बता रहे हैं। नहीं पढ़ाए थे फाउंडेशन वाला में, ये भी नहीं बताए थे। तो यह जो थोड़ा सा हम आपको पढ़ा रहे थे पॉलिटी का, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था, और उसने ही सेक्रेट कमिटी के द्वारा, गुप्त समिति के द्वारा पेश किया था और गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया। उसके बाद गवर्नर जनरल यानी वारेन हेस्टिंग्स के परिषद में 4 सदस्य को शामिल किया गया, मानसन को, बर्वेल को, क्लेवरिंग को और फिलिप फ्रांसिस को, है ना। अब सुनिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का दूसरा विशेषता। पहला विशेषता तो ये हो गया, ये सब समझ लिए। उसके बाद क्या किया गया कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में क्या पियावा गैले कलकत्तावा ए सखिया, यहाँ सुने कि ना सुने? हाँ, उसका बड़ी मस्त गाना है, आप लोग ना सुने हैं?
अरे हम सुने, हम सुना दिए तो होता गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। एससी मतलब क्या? सुप्रीम पोस्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। और इस सुप्रीम कोर्ट में भी चार गो सदस्य था। एक जो था से मुख्य मुख्य, और तीन था अन्य अन्य था। मुख्य में कौन था? सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को बनाया गया। जबकि तीन गो अन्य न्यायाधीश बना, वह था लॉर्ड अति क्या बोलते इसको, सर एलिजा एम्पे हो गया, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेम्बर्स और लॉर्ड लिमेस्टर। लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लिमेस्टर और लॉर्ड चेम्बर्स। लॉर्ड चेम्बर्स इस समय हमारे माथा में गाना आ गया था, इसलिए हम इसको भूल गए थे। मतलब गाना गाने वाले थे, हमारा लगा टेंशन ही हो गया था, तनका देर लगी। तब पहला के नाम क्या था? लॉर्ड हाइड। दूसरा के नाम था लॉर्ड लिमेस्टर। और तीसरा के नाम था लॉर्ड चेम्बर्स, लॉर्ड चेम्बर्स। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ना तो बंगाल के गवर्नर जनरल के काम को फिक्स किया गया, और न ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे के कार्य को फिक्स किया गया। जब इसके कार्य को फिक्स नहीं किया गया, इसीलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को भूल एंड प्रयास की संज्ञा दी जाती है। भूल एवं प्रयास की संज्ञा दी जाती है, मतलब प्रयास तो किया लेकिन थोड़ा सा भूल हो गया। भूल यह हो गया कि ना तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्य को फिक्स किया, और न ही बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य को फिक्स किया। नहीं बताइए तो रहे, अभी सब बताइए रहे। अब सुनिए, हाँ हम आपको सब चीज लाइन लाइन से बता ही रहे थे अभी। तब बंगाल के अधीन, बंगाल के अधीन बंबई, कौन सी मेरा, हम क्लास के बाद पी लेंगे, हम क्लास के बाद पी लेंगे। तू आप लोग छोड़ दीजिए, एक बात ना पीजिए, अब हम ही पियेंगे खाली। क्या सही बात तो यही कि अब मेरा हिस्सा खाली बचा है। क्या देख रहा है? ओ अच्छा, अरे वैसे कोई दिक्कत हुई ना, नकली है। अब इसके तहत मद्रास एवं मुंबई को, मद्रास एवं बंबई यानी मुंबई को बंगाल के अधीन कर दिया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया। और एक काम और किया गया कि बिना लाइसेंस का, बिना लाइसेंस का व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और रिश्वत यानी उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब बिना लाइसेंस का, बिना लाइसेंस का व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बिना लाइसेंस का व्यापार करने पर, व्यापार करने पर, व्यापार करने पर क्या किया गया मेरे भाई? प्रतिबंध लगा दिया गया। और एक काम और किया गया, उपहार लेने पर भी क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया।
उपहार लेने पर भी क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत के आदमी से जैसे कि रिश्वत लेने पर, घुसखोरी लेने पर कि हम आप आइए और हम आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम देते हैं, जैसे जियो वाला कंपनी चल रहा तो क्या कहेगा कि 2000 रुपया दीजिए पहले शुरू में, हम आपको जियो में काम लगा देते हैं। तो उसी प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय काम करने जाता तो उसके काम के लिए पहले घुसखोरी ले लेता था, रिश्वत ले लेता था उपहार के रूप में। कहा कि आप उपहार के रूप में क्या लेते हैं, तो रिश्वत लेता, घुसखोरी लेता है, यानी उपहारों लेने पर प्रतिबंध लगा दिया और रिश्वत और घुसखोरी लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हाँ, सब चीज पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। अब इसके बाद कुछ बचा हुआ इसमें नहीं है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय यह किया गया कि जो बंगाल था ना वह बंगाल अकेले था, अब बंगाल ने क्या किया, मद्रासों को मिला दिया और उसी बंगाल में बंबई को भी मिला दिया। अब उसका क्षेत्र क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब एक बार हम फिर से पूरा समझा देते, समझ में आ जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया, सबसे पहला बात समझिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के भ्रष्टाचार यानी करप्शन को दूर करना था, मतलब भ्रष्ट ना हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसके लिए ही लाया गया। लाया कौन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड नॉर्थ। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड नॉर्थ। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड नॉर्थ। और उन्हीं के द्वारा सेक्रेट कमिटी के द्वारा, गुप्त समिति के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि जो बंगाल के गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए, और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर के पद पे था, उसका अधिकार और बढ़ा के बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर था, जैसे मान लीजिए कि हम अभी मुखिया है, हमारा कोनो विधायक बना दिया, इसी प्रकार के पद का अंतर है, मतलब गवर्नर से गवर्नर जनरल शक्ति को बढ़ा दिया गया, ताकत को बढ़ा दिया गया, उसके कार्य अधिकार शक्ति को बढ़ा दिया गया, समझे। तो गवर्नर से गवर्नर जनरल मतलब क्या, शक्ति बढ़ा दिया, पावर बढ़ा दिया। जैसे मान लीजिए अभी मेरा पावर इसी कोचिंग भर है, अच्छा 5 कोचिंग मेरे कब्जा में आ जाएगा, एक मतलब मेरा पावर क्या हो गया, बढ़ गया, शक्ति क्या हो गया, बढ़ गया। अब बंगाल में मद्रास और बंबई को मिला दिया गया तो इसका शक्ति बढ़ा कि ना बढ़ा, इसका पावर बढ़ा कि ना बढ़ा, क्योंकि बंगाल में ना मिला दिया गया, बंगाल में मद्रास को और बंबई को मिला दिया। अब पहले अकेले बंगाल का था, अब बंगाल मद्रास बंबई की तीनों का हो गया गवर्नर जनरल। क्या पहले केवल किसका था, बंगाल का, अब बंगाल के साथ साथ मद्रास बंबई तीनों का हो गया, तो शक्ति बढ़ा कि ना बढ़ा। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में मद्रास और बंबई को मिला दिया। कंपनी वाला सब घूस लेता था, कंपनी वाला सब घूस लेता था कि कंपनी में काम करना है, रुपया दो हम रखा देते हैं। कहा कि नहीं, घुसखोरी नहीं चलेगा। मतलब रिश्वत लेने पर, उपहार लेने पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया कि आप घुसखोरी मत कीजिए। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय इसी अधिनियम के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में 73 के अधिनियम के तहत 74 ईस्वी में, समझ रहे हैं, मतलब बजट पेश हुआ 1773 में और काम हुआ 1774 में। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। कहां गठन किया गया, कलकत्ता में, और इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया सर एलिजा इम्पे को, और 3 अन्य न्यायाधीश था, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेम्बर्स और लॉर्ड लिमेस्टर, और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के भी सहायता के लिए 4 सदस्य दिया गया था, मानसन, बर्बल, क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट बस इतने हैं, लेकिन इसमें भूल क्या हो गया। तो सबसे पहला बात तो प्रयास यह किया
कि कंपनी के भ्रष्टाचार को सुधारा जाए, कंपनी में होने वाला रिश्वत और घुसखोरी को सुधारा जाए। ये तो प्रयास किया, अच्छा काम किया, लेकिन भूल यह हो गया कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का कितना काम है वो निर्धारित कर भी नहीं किया। मतलब कितना इसका शक्ति है, शक्ति बढ़ा तो दिया, बंगाल से मद्रास और बंबई को जोड़कर शक्ति बढ़ा तो दिया, लेकिन इसका शक्ति कितना दूर में कार्य करेगा, कहां कहां तक देख सकता है, ये निर्धारित नहीं किया। अब देखिए उसके बाद मुख्य न्यायाधीश कौन था, सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। अब यह मुख्य न्यायाधीश था, निर्दोष को फांसी पर चढ़ा दिया, फांसी वाला को निर्दोष बना दिया। तो इस बात से समझिए कि जब फांसी वाला को निर्दोष बना देता था, खुश रहे तादर बैठिए ना, बस तादर बैठिए ना, कोई बात नहीं। तो निर्दोष को फांसी पे चढ़ा दिया और फांसी वाला को निर्दोष बना दिया, बात को समझ रहे, मतलब इसके भी कार्य का निर्धारण नहीं किया। इसीलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को भूल और प्रयास की संज्ञा दी जाती है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को भूल और प्रयास की संज्ञा दी जाती है। मतलब प्रयास तो किया कि रिश्वत ना ले, घुसखोरी ना हो, लेकिन भूल यह हो गया कि ना तो गवर्नर जनरल के कार्य निर्धारित किया और ना ही सर एलिजा इम्पे के कार्य को निर्धारित किया। अब तो समझ में आ गया होगा कि एक बार और समझा दे, समझ में आ गया, एक बार शॉर्टकट देख लीजिए। अब देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार को कम करना था, भ्रष्टाचार ना हो। इसके लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त समिति सीक्रेट कमिटी के द्वारा एक एक्ट पारित किया जिसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसके हाँ गठित थी, वो इसने ही पेश किया था सीक्रेट कमिटी। जैसे हम लोग कैसे समिति होता है और समिति कहा कि ये वाला सामान हम पेश करते हैं, उसी प्रकार से लॉर्ड नॉर्थ का वो गुप्त समिति था, सीक्रेट कमिटी था, उसी कमिटी ने पेश किया था कौन सी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद इसी के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब बंगाल के गवर्नर के पद पे वॉरेन हेस्टिंग्स था, अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गया। अब उसको सहायता करने के लिए 4 सदस्य दिया गया, मानसन, बर्वेल, क्लेवरिंग और फिलिप फ्रांसिस को दिया गया। और इसके शक्ति कैसे बढ़ गया, तो पहले केवल बंगाल के गवर्नर था, गवर्नर जनरल बनते मातर या मद्रास और बंबई को भी उसमें मिला दिया। अब शक्ति था एगो जाति पे, राज्य पे, चाहे एगो प्रांत पर, अब शक्ति 3 प्रांत पे हो गया, बंगाल पर भी हो गया, मद्रास पर भी हो गया, बंबई पे भी हो गया, तो शक्ति ना बढ़ गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, जो अभी हम लोग का दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है कि नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई सदस्य था, 4, एक था मुख्य न्यायाधीश, 3 था अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश के पद पे सर एलिजा इम्पे, ईस्वी में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाना था कहां, दिल्ली। 1862 में कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में, आगे पढ़ाएंगे 1861 के अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में हाई कोर्ट का भी गठन किया गया था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। 1 का मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे बन गया, 3 अन्य न्यायाधीश लॉर्ड चेम्बर्स, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लिमेस्टर को बनाया गया। इससे भूल और प्रयास की संज्ञा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना तो कार्य निर्धारित हुआ था अति सर एलिजा इम्पे को और न ही उसके गवर्नर जनरल को। सबसे पहले जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया था, भारत में सबसे पहली बार जो बजट पेश करने वाला व्यक्ति का नाम है वह जेम्स विल्सन है, तो वह हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी लाइन बाय लाइन से बोलो आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, क्या अभी केवल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना था। और कोई यूपीएससी का भी तैयारी करता होगा वो भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इतने पढ़ता है, ऐसे वैसे है ये ना, ऐसे वैसे है ये ना, तो क्या पढ़ेगा वो, क्या मेरे भाई, कलकत्ता में कै गो
प्रांत, प्रांत पहले कलकत्ता तो एक ही प्रांत है ना, एक गो है। प्रांत का मतलब राज्य समझिए, राज, प्रांत का मतलब राज, तो कलकत्ता एक गो ना। अच्छा बताइए बिहार में कै गो प्रांत है? बिहार खुद एगो प्रांत है, राज्य है, कलकत्ता खुद एगो प्रांत है। हम आगे बताएंगे प्रांत, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। अब हम ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, ठीक ना, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। उसके वो क्षेत्र कर रही है, वो कैसे अपना गांव होता है, गांव होता है, गांव के बारे में बोल रही है वो। आपको हम लोग को अभी नहीं पढ़ना वो सब। उसके बाद जो कलकत्ता है उसको प्रांत कहा जाता था। प्रांत इसलिए कहते थे कि जहां पर अंग्रेज का शासन था उसको प्रांत कहते थे, और जहां पर राजा महाराजा शासन करता था उसको देशी रियासत कहा जाता था। बिहार पे भी शासन किया, बिहार भी प्रांत है। अभी बिहार क्या है? प्रांत है। प्रांत का मतलब राज्य है। पहले प्रांत होता था, अभी उसको राज्य कहते हैं। पहले तो कट करते, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा।